हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हेलोडी डॉक्टर में। और आज आपके भाई ने एक वीडियो बनाई है जिसने किसी भाई को दिक्कत हुई थी कि मोटर के कनेक्शन किस तरह से करें। मोटर के कनेक्शन उस बंदे ने किए थे तो मोटर उसकी सड़ गई, फूक गई। तो बोला भाई थोड़ा सा इसके बारे में हेल्प कीजिए। तो मैंने उसी पर कोशिश की है आप लोगों को ये जानकारी देने की कि किस तरह से कनेक्शन हमें करने चाहिए सिंगल फेस मोटर के, जो हम अक्सर कभी कभी छेड़ बैठते हैं, तारों को उल्टा सीधा कर बैठते हैं। तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हम किस तरह से कनेक्शन करें ताकि कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर बैठे और सही लाइफ ले सकें हम उसकी। और भाइयों, ये वीडियो आप पूरी देखना, तभी आपको जानकारी पूरी मिलेगी। और यदि आप इस वीडियो में नए हो, चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको इसी तरह की मिलती रहें और आपको नई नई जानकारियां मिलती रहें। और यदि आप पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कहाँ कमी रह जाती है आपके भाई की वीडियो में, वो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूंगा। और चलिए अब आप शुरू करते हैं कि किस तरह से कनेक्शन करने चाहिए। तो लीजिए देखिए, अब आप चारों तारें अलग अलग निकाल लें। चारों तारें आपकी अलग अलग हो रखी हैं। रेड कलर की तार, जो दो तारें रेड कलर की हैं, एक आप ब्लू में बांध लें और एक आप कैपेसिटर पर बांध लें रेड कलर की। ये रेड कलर की तारों का ही खेल है सारा इसमें। और उसके बाद में एक ब्लैक कलर की जो तार आती है, वैसे किसी किसी में एलो भी दे देते हैं दोनों, लेकिन रेड का दोनों अलग अलग रखें, एक कैपेसिटर पर और एक रेड कलर, इन दोनों पर कनेक्शन भी देने हैं सप्लाई के, मेन सप्लाई के, इस तरीके से। और अगर इसको तुम्हें चक्कर पलटने हैं मोटर के, तो यहाँ से खोल के रेड ही चेंज करनी है, सिर्फ रेड खोल करके रेड पर रेड पलट देना है, चक्कर मोटर के तुरंत पलट जाएंगे। अंदर से चार तारें निकल के आती हैं, ध्यान समझ गए होगे भाइयों कि किस तरह से ये कनेक्शन पलट देते हैं इसके। अच्छा, इसी तरीके से रखें, रेड कलर के तारों का मेन इसमें वो है, बाकी और इसमें कुछ नहीं। कैपेसिटर इस तरह से लगाएं, बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं।